नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन टॉपिक है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम कहने का मतलब है कि नेट फोर्स जीरो होगा। इक्विलिब्रियम क्या है? एफ नेट इज इक्वल टू जीरो और टोटल समेशन ऑफ फोर्सेस, टोटल समेशन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। एफ टोटल समेशन ऑफ फोर्सेस क्या होता है? जीरो होता है। जैसे कि देखो नॉर्मली इक्विलिब्रियम टोटल समेशन ऑफ फोर्सेस का जीरो का मतलब क्या होगा कि एक्स डायरेक्शन में भी फोर्सेस जीरो हो जाएंगे। हम क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू भी जीरो, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू भी जीरो, और अगर तीसरे डायरेक्शन में निकालना पड़ा तो समेशन ऑफ एफ जेड इक्वल टू भी जीरो, यानी एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन के फोर्सेस जीरो होंगे। ये हमारे लिए इस इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व करना बहुत ही आसान होगा। फोर्स जब जीरो है तो जीरो है चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में रहे। तो देखो जनरली हम पढ़ते हैं कि जब बॉडी के ऊपर टू फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, हम देखेंगे केस वन देखेंगे टू फोर्सेस का केस देखेंगे और दूसरा केस देखेंगे मोर देन टू फोर्सेस का। यहां पर देखो अगर ये एक ब्लॉक है, ओके, इसके ऊपर फोर्स इस इधर से क्या बोल लग रहा है और इधर से क्या लग रहा है, F2 लग रहा है, और कहा गया कि ये किस कंडीशन में इक्विलिब्रियम में, ठीक है, इक्विलिब्रियम में। तो हमेशा ध्यान में रखना है F1 इक्वल टू क्या रहेगा, F2, मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F2, दोनों पे फोर्स इक्विलिब्रियम क्या रहेगी, सेम रहेगी। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा था तो वेक्टर वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर वेक्टर, कि दोनों का सिर्फ डायरेक्शन उल्टा रहेगा, ये डायरेक्शन तो उल्टा होना ही है, तो डायरेक्शन रहेगा कभी तो एफ वन वेक्टर इक्वल टू एफ वन वेक्टर प्लस एफ टू वेक्टर इक्वल टू जीरो होगा, तभी तो नेट फोर्सेस का समेशन क्या होता है, जीरो। और इस सिंपल से बात है, इतना टेक्निकल समझने के लिए क्या करें, इस वजह अगर मैं पढ़ा हूं मेरे ऊपर फोर्स जीरो के सिवा कुरान के इधर से भी पास न्यूटन से खींच लिया, इधर से भी पास न्यूटन से खींच लिया, तो हमारे ऊपर नेट फोर्स क्या आ जाएगा, जीरो, और ना इधर जाएंगे ना उधर जाके बीच में खड़े रहेंगे, ठीक है। इक्विलिब्रियम के केस में फोर्स जीरो होता है, यानी कि इसमें एक्सीलरेशन जीरो होगा ना कि वेलोसिटी। इक्विलिब्रियम में कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रह सकती है, समझना है, इक्विलिब्रियम के केस में कोई भी बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रह सकती है। इक्विलिब्रियम में हमारा फोर्स जीरो है यानी कि एक्सीलरेशन जीरो है, वेलोसिटी जीरो नहीं है। तो हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम के केस में यहां पर हम बोल सकते हैं या तो बॉडी रेस्ट में रहेगी या तो इसमें रहेगी यूनिफॉर्म मोशन। या तो बॉडी रेस्ट में रहेगी या तो किस में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए,
आप वेक्टर में करें। तो माइनस का मतलब क्या होगा, उल्टा डायरेक्शन में होगा। लिखिए, याद रख, नोट डाउन कर लिए होंगे। देखिए, इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल, इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल इन मैकेनिक्स, इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल इन मैकेनिक्स रेफर्स टू द सिचुएशन सर, एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। When the net external force on the particle is zero. इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन अब हम देखते हैं मोर देन टू फोर्सेस। क्या देखते हैं, मोर देन टू फोर्सेस, मोर देन टू फोर्सेस का सपोज दैट तीन फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। इसका मैं डायरेक्ट बता देता हूं, m mass, अगर सपोज दैट इस डायरेक्शन में f1 फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में f2 फोर्स लग रहा है, और इस डायरेक्शन में f3 फोर्स लग रहा है। तो अब देखो, इसमें दो मेथड से सॉल्व करेंगे। एक मेथड तो ये मान लो f2 और f3 के बीच का एंगल थीटा 1 है, ये थीटा 3 हो गया और ये एंगल थीटा 2 हो गया। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्विलिब्रियम में है तो अगर समेशन ऑफ f इज इक्वल टू 0 है, आने की इक्विलिब्रियम में है, तो क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि इसमें f को f ने दे दिया था आपसे, f को पूछ लिया और बाकी थीटा आपको गिवन था। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, f1 / sin थीटा 1, f2 / sin थीटा 2, f3 / sin थीटा 3, तीनों क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। इसे हम लेमिस थ्योरम कहते हैं। f1 / sin थीटा 1 दूसरा हो गया, f2 / sin थीटा 2 और तीसरा क्या हो गया, f3 / sin थीटा 3। इसका एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड देखते हैं, जो कि इजीएस्ट है। ये वाला मेथड सिर्फ तीन फोर्स के लिए एप्लीकेबल है। इससे भी इजी एक और मेथड देखते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगेगा और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के पास है, ठीक है। यहाँ पर देखो, अगर m यहाँ पर क्या हो गया, f1 हो गया, यहाँ पर f2 हो गया, जस्ट सीधा फॉर्मूला में अल्टरनेटिव और ये इसमें है इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में इस कंडीशन में हम क्या करेंगे,
एक्स और वाई एक्सिस मान लो, इसको एक्स मान लो और इसको क्या मान लो, वाई मान लो। अब इक्विलिब्रियम के केस में क्या होता है, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में क्या हम लाते हैं, समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो देखो F1 और F2 जो है ना, तो x के डायरेक्शन में है ना तो y के डायरेक्शन में, तो हम इसे क्या करेंगे, रिजॉल्व। तो अगर यहाँ पर हमें एंगल दिया हुआ है थीटा 1 और ये एंगल दिया हुआ है थीटा 2, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो रिजॉल्व करेंगे। ये F1 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा F1 sin थीटा 1, सॉरी थीटा है, आप लोगों को पता है थीटा के साथ में जो रहता हूँ क्या हो गया, cos थीटा हो गया, और थीटा क्या हो गया वाला, इस डायरेक्शन में क्या हो गया है F1 sin थीटा। ठीक है, फिर F2 वाले को रिजॉल्व कर देते हैं, इस डायरेक्शन में आ जाएगा क्या, थीटा 2 के साथ में यहाँ पर क्या हो जाएगा F2 cos थीटा 2, और ये इधर रिजॉल्व हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा F2 sin थीटा। ऐसे हमने रिजॉल्व कर लिया, जितने भी फोर्स गिवन रहेंगे सबको अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग द वाई एक्सिस क्या करेंगे, रिजॉल्व कर देंगे, सिंपल। ठीक है, इससे आगे हम क्या करेंगे, अब क्या कर देंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्स हैं सबका समेशन किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। तो देखो एक्स डायरेक्शन में कितने फोर्स हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में दो फोर्स हैं F1 cos थीटा 1 और क्या हो गया F2 cos थीटा 2, और बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स है F3, यहां पर क्या लिखेंगे माइनस F3 जो पर 0, इक्वेशन 1। समेशन ऑफ F y इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ F y इज इक्वल टू 0 में क्या होगा, देखो बैकवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, एक ही फोर्स है पॉजिटिव का, पॉजिटिव y में F1 sin थीटा 1, और दूसरा फोर्स क्या y डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस F2 sin थीटा 2 इज इक्वल टू 0। अब हो गया यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2, यहाँ से जो भी डाटा हमें फाइंड करने का रहेगा उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब हमने यहाँ पर आपको दो मेथड बताया है, दोनों मेथड में क्या है, ये एनसीईआरटी का है, सिंपल एनसीईआरटी का, भी इसको करके मेथड सॉल्व करता हूँ। इसमें क्या है, सिंपल सी बात है, इस मेथड से हम कितने भी फोर्सेस रहेगा वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस मेथड से सिर्फ तीन ही फोर्स का क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसको करेंगे तो बेहतर है, दोनों बेहतर। सर स्क्रीन ब्लर हो गया आपको, वेरी, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक रस्सी इधर से बीच में यहाँ पर एक लटका हुआ, ये 30 डिग्री के अंदर बन रहा है, इधर 60 डिग्री के अंदर बन रहा है, पॉइंट टेंशन इन बोथ स्प्रिंग। दोनों स्प्रिंग पे हमें टेंशन फाइंड करना है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। टेंशन इन बोथ स्प्रिंग, तो देखो मान लो यहाँ पर मैं टेंशन क्या हो गया P1, यहाँ का टेंशन क्या मान लो T2, यहाँ का जो टेंशन है वो क्या है T, और ये कितना हो गया N, तो T is equal to ये क्या हो गया 100 मीटर, क्योंकि सेल जितना से नीचे जाएगा उतना इस ऊपर खींचने का कोशिश करेगा, तो T is equal to N G, tan N G is equal to क्या हो गया tan into tan G, तो क्या हो गया 100 मीटर। ठीक है, तो प्रॉब्लम है इसमें 100 कैसे लिख दिया, चलो ये बता देता हूँ। अब चलो ये हमें हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, इसका जो इसका इक्वेशन लिखते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम मैं फिर से अलग से बताता हूँ ताकि 100 कैसे आएगा उसको बता सकूँ। mg नीचे की तरफ जाएगा tan g, और ऊपर की तरफ क्या है, और ये इसमें है रेस्ट कंडीशन में है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नेट फोर्स tan माइनस tan g इक्वल टू क्या हो गया 0, तो t इक्वल टू क्या हो गया tan g, tan g यानी 100 मीटर, g को हम कितना लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो ये t इक्वल टू कितना हो गया 100 मीटर। ये
इक्वल टू क्या हो गया 100 हो गया। अब हमें टी1 टी2 फाइंड करना है, मैं अलग से डायग्राम पे ले लेता हूं इसे। दोनों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये हो गया इधर। ओके, दोनों मेथड आपको x के एट्रीब्यूट पढ़ना है, इसलिए मैं दोनों मेथड को डिस्कस करूंगा। नीचे की तरफ कितना लग रहा है 100 न्यूटन लग रहा है, इधर क्या लग रहा है T2 और इधर क्या लग रहा है T1, ये वाला आएगा कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो ये 30 और 60 क्या हो गया 90, ये जब ये 60 है ये वाला आएगा कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ये आएगा कितना हो गया 120 डिग्री, ये जब ये आएगा 30 है ये आएगा कितना हो जाएगा 150 डिग्री, ये वाला आएगा कितना हो गया 150 डिग्री। यहाँ पर हम जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर तो लेवल स्क्रून लगाएंगे, लेवल स्क्रून का यूज करेंगे, लेवल स्क्रून का यूज करेंगे T1 अपॉन साइन 120, T1 अपॉन साइन 120, T2 अपॉन साइन 120, T2 अपॉन साइन 150, और ये क्या हो गया T अपॉन साइन 90, ये क्या हो गया साइन 90 साइन 90 प्लस थीटा cos 30 is equal to 100, तो यहां से T1 is equal to क्या हो गया 100 into cos 30, cos 30 की वैल्यू कितना निकल के आते हो √3/2, तो यहां पर क्या हो गया 50√3 न्यूटन, इक्वल हो गया 50√3 न्यूटन। इसी तरह से T2 फाइंड करने के लिए हम जाएंगे, ये यहाँ पर लेकर के आएंगे, यानी जगह है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे T2 अपॉन साइन ऑफ 90 प्लस 60 इज इक्वल टू T आई 100 बाय 1 साइन 90 का वर्ग, स्पेस है इधर और काफी स्पेस है, तो साइन या T2 अपॉन साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा अगर cos 60 इज इक्वल टू 100, यस T2 इज इक्वल टू क्या गया 100 इनटू cos 60 1/2, तो T2 इज इक्वल टू क्या हो गया 50 न्यूटन। लॉ कैंसिल हो गया, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर सेकंड मेथड बता देता हूं।